बेचे जाने का डर सता रहा है। सीमा के वकील एसपी सिंह ने दावा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का बर्नी ट्रस्ट मानव तस्करों के जरिए बच्चों को बेचने की योजना बना रहा है। दरअसल पाकिस्तान की चाइल्ड राइट बॉडी ने सीमा हैदर के बच्चों को वापस देश में बुलाने की मांग की है। इसके लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखी गई है। इसमें चारों बच्चों की वतन वापसी सुनिश्चित कराने की बात की गई है। इस मामले को लेकर सीमा के वकील एपी सिंह ने कहा है कि सीमा को अपने चारों बच्चों को विदेश में बेचे जाने का शक है। सीमा इस मामले में मानसिक रूप से परेशान है। उसे डर है कि मानव तस्कर उनके बच्चों को यहाँ से पाकिस्तान लेकर जा सकते हैं। सीमा के वकील ने आगे बताया कि पाकिस्तान के ऐसे लोग जो बच्चों की तस्करी करते हैं, वो भारत में रह रहे कुछ लोगों से मिलकर सीमा के बच्चों को छीनने की साजिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि सीमा का पहला पति गुलाम हैदर लगातार सीमा के खिलाफ केस दर्ज करवा रहा है। गुलाम की मांग है कि सीमा को उसके चार बच्चों के साथ पाकिस्तान भेजा जाए। गुलाम के भारतीय वकील मोमिन खान ने गाजियाबाद, पानीपत और ग्रेटर नोएडा देश के बाहर भी मामले दर्ज कराए हैं। तो आपको बता दें कि सीमा के मामले में एक और नया मामला निकल कर आया है। पाकिस्तान के बर्नी ट्रस्ट के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है कि इस पाकिस्तान का बर्नी ट्रस्ट वो उनके बच्चों की तस्करी कर सकता है। पाकिस्तान की चाइल्ड राइट बॉडी ने विदेश मंत्रालय को एक चिट्ठी भी लिखी है। एपी सिंह ने साफ तौर पर यह भी कहा है, एपी सिंह जो कि वकील हैं सीमा के, वो सीमा के अपने चारों बच्चों को विदेश में बेचे जाने का शक भी जता रहे हैं। भारत के कुछ लोगों को पाकिस्तान के बर्नी ट्रस्ट के जरिए फंडिंग भी की जा रही है, ये आरोप है सीमा के वकील एपी सिंह का। जय श्री राम। पाकिस्तान के बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट गुलाम हैदर से कॉन्टेक्ट करके संपर्क करके हमारे बच्चे हमसे लेना चाहते हैं। वो 25 बच्चों को अमेरिका में बेचने के आरोप में पकड़े गए हैं। अमेरिका की पुलिस ने उनको पकड़ा है। अमेरिका की जांच एजेंसी ने उनको पकड़ा है। उन पर बहुत संगीन आरोप लगे हुए हैं, बहुत संगीन धाराएं लगी हुई हैं। अमेरिका की जांच एजेंसी ने बहुत संगीन उन पर मुकदमे डाले हुए हैं। वो कोर्ट को गुमराह करते हैं, झूठी झूठी गवाहियां देते हैं जैसे हमारे केस में दे रहे हैं, और इसी तरह से खास कर वो लड़कियों को टारगेट करते हैं और उनको बेचने का काम करते हैं। और कुछ भारत और नेपाल के लोग भी ये काम कर रहे हैं, उस बच्चियों को बेचने का काम कर रहे होंगे। तो हम भारत सरकार से, भारत की जांच एजेंसी से ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी जांच की जाए। वो लोग इस तरह से साजिश कर रहे हैं, हम धन्यवाद करेंगे अमेरिका की जांच एजेंसियों को जिसने ऐसे अपराधियों को पकड़ कर जेल भेजा है। और पता नहीं उन लोगों ने कैसे कैसे काम किए होंगे, और भारत और नेपाल में भी इस तरह बच्चों को लेकर तस्करी कर रहे होंगे, बेचा होगा। और हम प्रार्थना है हमारी भारत सरकार से, भारत सरकार के लोगों से कि आप इनके जांच बिठाएं, इनकी जांच होनी चाहिए। ये लोग इस तरह लगातार इस तरह के काम कर रहे हैं, मुझे हमारे बच्चे छीनने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनकी कठोर से कठोर जांच होनी चाहिए जो इस तरह से ऐसे काम करते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं यहाँ भारत सरकार से, यही प्रार्थना है कि इनकी जांच हो। इनके विदेशों से तारें जुड़ी हुई हैं, ये भारी भारी मात्रा में पैसे लेते हैं और ऐसे काम करते हैं। तो हमारी प्रार्थना है भारत सरकार से कि इन पर जांच बिठाई जाए, और ये बच्चों के साथ जो हो रहा है ये बहुत गलत है। और वही हम साजिश करके, चाल करके मेरे बच्चे, मेरी बेटियां मुझे छीनने की कोशिश की जा रही है। इसमें सारी साजिशें हैं बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट की, जो गुलाम हैदर से भी कॉन्टेक्ट करके हमारे बच्चे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा खुलासा है, जिस तरह से बच्चों की मानव तस्करी की जाती, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती थी उस संबंध में, क्योंकि बर्नी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के द्वारा ही सीमा सचिन मीना के बच्चों के लिए जो कानूनी कार्रवाई की जा रही, झूठी मनगढ़ंत साजिशन एकदम पूरी चीटिंग के साथ भरी हुई, यहाँ की माननीय अदालतों में उसमें यही ट्रस्ट पूरी तरह से कर रहा है। और इन्होंने भी इसमें अपनी स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी और अथॉरिटी लेटर दिया हुआ है, ये भी इस बात का सबूत है जो यहाँ की माननीय अदालत में लगाया गया है, कोर्ट से निकला हुआ डॉक्यूमेंट है। और ये इनको 6 जून को इसी ट्रस्ट को पाकिस्तान के प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता को यहाँ कराची से गिरफ्तार किया गया। ये है, डॉन भी कह रहा है, सारे अखबार कह रहे हैं, सारे
और इनकी गिरफ्तारी हुए पाकिस्तान की सर्वोच्च जांच एजेंसी ने पाकिस्तान के प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता वर्नी को गिरफ्तार कर लिया है। वर्नी की गिरफ्तारी अमरीकी सरकार की शिकायत के आधार पर की, उस पर मानव तस्करी के आरोप है। संघीय जांच एजेंसी की मानव तस्करी विरोधी टीम ने वर्नी को अमरीका से कराची हवाई अड्डे पर लैंड करने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। और आइए बात करते एक बयान की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने